संसदीय उपचुनाव गोरखपुर को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के सुपुत्र प्रवीण कुमार निषाद को अपना सपा का उम्मीदवार बनाया है। प्रवीण कुमार निषाद समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। निषाद पार्टी के साथ ही डॉक्टर अयूब खान की पीस पार्टी भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने का भी फैसला लिया है और इनका दल हमारा सहयोग करेगा, तो बात तो साफ हो गई है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। साथ ही साथ हम अपनी पार्टी के तमाम नेता, संगठन, सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दूंगा। हमारे साथ मंच पर राम भोपाल भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, क्षेत्र के मजबूत नेता हैं। दूसरी तरफ अमरेंद्र निषाद भी हैं, वो भी उनकी माताजी, उनके पिताजी लगातार उस क्षेत्र का नेतृत्व करते रहे। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि वो पार्टी के संघर्ष में पूरा सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। वहीं गोरखपुर की हमारी जनता से अपील है कि इस चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनकी पूरी ईमानदारी से मदद करें, सहयोग करें, जिससे कम से कम देश में यह संदेश जाए कि जो वादे किए गए थे, जो घोषणा पत्र दिखाए गए थे जनता के बीच में, जो संकल्प पत्र रखे गए थे, और अब तो जनता के पास, हम विपक्ष के नेताओं के पास, पीस पार्टी के पास भी होगा, डॉक्टर संजय निषाद जी के पास भी होगा, एक केंद्र वाला संकल्प पत्र जो उस समय तय हुआ था कि हम क्या क्या करेंगे, जनता के बीच में रखा गया था। फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो घोषणा पत्र रखा गया था, और भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे आई